हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार बोलने के लिए बहुत खुशी हो रही है कि आज हम लोग बात करेंगे वाइकिंग्स वैलहेला, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुआ है। टोटल 8 एपिसोड्स है, जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 44 मिनट से लेके 57 मिनट के, और ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाता है। अगर आप लोगों ने वाइकिंग्स शो नहीं देखा है तो यार डेफिनेटली उन सारे सीजन्स को चेकआउट करो। टोटल आपको 89 एपिसोड देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या वाइकिंग्स देखना जरूरी है इस पर्टिकुलर शो को देखने के लिए? तो यस, जरूरी है। लेकिन जरूरी इसलिए नहीं कि भाई वहाँ के कैरेक्टर आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन वाइकिंग्स लोग आखिर थे कौन, वो लोग चीजें किस तरह से करते थे, और उनके साथ उस वक्त क्या कुछ होता था, ये सब जानने के लिए आपको वाइकिंग्स देखना पड़ेगा। हालांकि इसकी जो कहानी है वो 100 साल बाद की कहानी है, यानी कि किंग एथरलैंड सेकंड के पूर्वजों ने वाइकिंग्स से अमन और शांति का सौदा किया था, और इसीलिए उन्होंने डैन लॉ, एक ऐसा लॉ था जिसके बाद वाइकिंग्स इनके साथ मिलजुल कर रहने लगे थे। और सिर्फ इंग्लैंड में नहीं, वाइकिंग्स पूरे यूरोप में बढ़ गए थे। अब 100 साल होने के बाद किंग एथरलैंड सेकंड ने सेंट ब्राइड्स डे के दिन डिसाइड किया कि भाई जितने भी वाइकिंग्स इंग्लैंड में रहते इन सबका कत्लेआम कर देंगे, और ऐसा करता भी है। और वो नरसंहार एकदम ही खतरनाक था, लेकिन वाइकिंग्स थोड़ी ना चुप रहने वाले थे। तो ऐसे किंग कनॉट द ग्रेट, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई किंग एथरलैंड सेकंड से रिवेंज तो लेना पड़ेगा। के बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए तो आपको वाइकिंग्स वैलहेला देखने पड़ेगा। देखो यार, मैं तो आप लोगों से एक ही चीज बोलूंगा कि इस शो में आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ अच्छा खासा हिस्ट्री लेसन भी देखने को मिल जाएगा। और शो में अगर कैरेक्टर्स की बात करूं तो यहाँ पर लीव एरिक्सन भी देखने को मिलता है, जो कि एक नॉर्स एक्सप्लोरर थे, और कहा जाता है कि वो एक पहले यूरोपियन थे जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ऑफ नॉर्थ अमेरिका में कदम रखा था। उसके अलावा उनकी सिस्टर फ्रेडिस भी यहाँ पर देखने को मिलती है, और इन दोनों भाई बहन का अपना एक अलग मिशन होता है इस पर्टिकुलर शो के स्टार्टिंग में, जो कि वो अपने छोटे से क्रू के साथ करना चाहते हैं। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर हॉरल्ड और नॉर्वे भी देखने को मिलते हैं, और ये कैरेक्टर भाई वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर है सीजन वन का। दूसरे कैरेक्टर जिसके बारे में बताऊंगा नहीं, वो तो आप लोग शो में देख लेना। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स भी मिलेंगे जिनके आप लोग इजीली फैन बन जाओगे, और उन कैरेक्टर्स का अच्छा खासा आर्क भी आपको सीजन टू में देखने को मिलेगा। शो में एक चीज और बताइए, वो है रिलीजन, यानी कि आधे वाइकिंग्स जो कि ईसाई धर्म को मानते हैं और आधे जो कि ओडिन को भगवान मानते हैं, तो इन दोनों के बीच में भी जो एक अपने मसले मसाइल है वो भी शो में बहुत ही अच्छी तरह से बताया, और काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये प्लॉट भी शो का। वैसे शो की सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो भाई बैटल ऑफ स्टैमफोर्ड जो कि 4th एपिसोड में देखने मिला, यकीन मानो सीजन 1 का सबसे बेस्ट एपिसोड है 4th एपिसोड। और स्ट्रेटेजी बताइए, और जिस तरह से उस सारे सीन को पिक्चराइज किया, डिजाइन किया, यार मजा आ गया। और उस पर्टिकुलर एपिसोड में जो कन्वर्सेशन था किंग कनॉट और इंग्लैंड के राजा का, वो कन्वर्सेशन बहुत मजेदार था। और जिस तरीके से बैटल हुआ है ना यार, फोर्थ एपिसोड मैं क्या ही बोलूं। उसके अलावा एंड का बैटल भी बहुत अच्छी तरह पिक्चराइज किया। शो में वुमेन्स कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे जिनका अपना एक इंपॉर्टेंस है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखने को मिलता है, ओवरऑल एक्शन सीक्वेंस बीजीएम अच्छा है, शो को इतना फास्ट रखा कि एक सेकंड भी ऐसा नहीं होता भाई। मैं यकीन ही नहीं कर सकता कि भाई 8 एपिसोड में वो लोग इतनी सारी चीजें कैसे बता दिए, पलक झपको तो चीज हो जाती है। और इतना इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि भाई मैं वन शॉट में पूरे 8 एपिसोड देखा हूँ। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो सारे लोगों ने अपने हिस्से के काम को डिसेंट किया है। मैं ये नहीं बोलता कि आउटस्टैंडिंग किया है, लेकिन डिसेंट किया है, देखने में मजा आता है। लेकिन भाई अपने रैग्नर लॉथब्रॉक यानी कि ट्रेविस की तरह तो कोई भी ऐसा एक्टर मुझे पर्सनली लगता वाइकिंग्स में यार, कि मतलब वो तो एक लाजवाब ही बंदा था। क्योंकि नेगेटिविटी की बात करूँ तो यार मुझे शो में पॉलिटिकली काफी चीजें ऐसी देखने को मिली जो शायद ऑडियंस को बोर कर सकती है, लेकिन वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन मुझे ये शो बहुत अच्छा लगा, मुझे कुछ भी नेगेटिव चीज नजर नहीं है। लेकिन एज एन व्यूवर्स को क्या फील होता है वो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पेरेंटल गाइडेंस में इतना बोलूंगा, श्लील सीन्स देखने को मिलेंगे, सेक्स सीन्स यानी न्यूडिटी सीन्स, लेकिन वो इतने नहीं है, थोड़े बहुत है, बहुत नाम के लिए, लेकिन है इसलिए अकेले देखना। मैं शो को रेटिंग दूंगा 8.5 out of 10, और डेफिनेटली बोलूंगा भाई अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया है, वो नए बच्चे लोग जो वाइकिंग्स देखना चाहते, तो भाई वाइकिंग्स वैलहेला देखो, गजब की दुनिया है भाई, जिसमें आप लोग पूरी तरह खो जाओगे। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, बाय।